जब जब भारत में वीरों की कथा सुनाई जाएगी, जब जब भारत में वीरों की कथा सुनाई जाएगी, रेसांगला की गौरव गाथा सबसे पहले आएगी, वीर अहीरों की गाथा फिर नम कर जाएगी, हवा पहाड़ी बलिदानों के जब जब गीत सुनाएगी, यादव कुल के दीवानों को शत शत शीश झुकाएगी, वीर अहीरों की वो गाथा आगे नम कर जाएगी। रेजांगला के वीर 114 अहीर सैनिकों की शहादत की पवित्र मिट्टी झारखंड आई है। हमें नाज है यदुकुल के वीर शहीद जवानों पर। आइए प्रदेश यादव महासभा की ओर से आयोजित सभी जिलों में 18 नवंबर को रेजांगला गौरव गाथा पद यात्रा में शामिल होकर अहीर रेजिमेंट की मांग को बुलंद करें। जय यादव जय माधव। शौर्य दिवस के उपलक्ष में अहीर रेजिमेंट का डिमांड के लिए रेजांगला से 114 वीर अहीरों की शहादत वाली मिट्टी हम सबों के बीच में आई है। हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर 18 नवंबर को अपने जिला मुख्यालय में प्रदेश यादव महासभा के द्वारा जो कार्यक्रम सुनिश्चित की गई है उसको मजबूत तरीके से कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय जादव जय माधव। कैस्टान में शामिल तीनों विधायकों के खिलाफ ईडी की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अरगोड़ा थाने में दर्ज प्राथमिकी को ईडी की ओर से टेक ओवर कर इसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ईडी ने रांची के अरगोड़ा थाने में कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह के बयान पर प्राथमिकी दर्ज को आधार बनाते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया है। पूरा मामला पिछले 30 जुलाई को हावड़ा में 50 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार झारखंड के तीन विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, नमन बिक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है। इन तीनों विधायकों के खिलाफ अनूप सिंह ने रांची के अरगोड़ा थाने में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ जाकर 31 जुलाई को 0 FIR दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही गठबंधन की सरकार को गिराने के लिए तीनों ही विधायकों ने साजिश रची थी। अब इस मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान करेगी। तीनों ही विधायकों पर धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ है। विधायक अनूप सिंह का इसमें आरोप था कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन की सरकार को गिराने के लिए हर विधायक को 10-10 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था। दर्ज प्राथमिकी में विधायक अनूप सिंह ने पश्चिम बंगाल में पकड़े गए कांग्रेस के तीनों ही विधायकों पर गंभीर आरोप लगाया था। अनूप सिंह ने आरोप लगाया था कि आरोपितों ने उन्हें फ़ोन पर कोलकाता आने के लिए कहा था। यह भी ऑफर किया था कि अगर वे अपने साथ अन्य विधायकों को लेकर कोलकाता जाते हैं तो प्रत्येक विधायक को 10-10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अनूप सिंह को नई सरकार में मंत्री पद का ऑफर भी दिया गया था। अनूप सिंह ने दर्ज प्राथमिकी में तीनों ही आरोपित विधायकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि असंवैधानिक, अवैध और आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहते, इसलिए वे प्राथमिकी दर्ज करा रहे हैं। उन्हें कोलकाता बुलाकर टोकन मनी देने का प्रलोभन भी मिला था और गुवाहाटी ले जाना चाहते थे ताकि झारखंड की सरकार को धराशायी किया जा सके। पिछले दिनों विधायक अनूप सिंह के ठिकानों पर आयकर विभाग की भी छापेमारी हो चुकी है। आयकर विभाग को उनके ठिकानों से कर चोरी संबंधी कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलने के दावे किए गए, जिसके संबंध में अनूप सिंह को 21 नवंबर को आयकर विभाग के दफ्तर में बुलाया गया है। वहीं अनूप सिंह ने कहा है कि उन्होंने किसी प्रकार का कोई अनियमितता नहीं की है, बल्कि आयकर विभाग के हर सवालों का जवाब देने के लिए वो तैयार हैं। साथ ही उन्होंने जाँच का पूरा भरोसा भी जताया है। ऐसे
में सवाल बड़ा है कि अब ईडी जिस तरह से इस मामले को टेक ओवर कर रही है, उसके बाद से झारखंड में कांग्रेस के इन तीनों विधायकों के ऊपर ईडी की अब दबिश बढ़ेगी और आने वाले दिनों में हो सकता है ईडी और कोई कार्रवाई करे। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।